थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको क्विकली देना चाहूंगा. मैंने आपको बताया मैं श्रोता के नजर से आया हूँ, बट मैंने गुजरात सरकार के साथ आई वर्क एज कंसल्टेंट फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड आई अनफॉर्चुनेटली आई वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्योर ऑल केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर द स्टेट. सो मैंने कोई 1,000-1,200 करोड़ के लिए सरकार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोक्योर करे हैं अलग अलग तरीकों से, बट कहीं ना कहीं कॉन्शियसली ये रहा कि मेरे को तो इसके विपरीत कुछ इनिशिएटिव लेने हैं. तो मैं आई कम फ्रॉम एन हिमालयन स्टेट, हिमालयन फूड हिल्स ऑफ हिमालय से देहरादून उत्तराखंड से आते हैं. तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली कुछ किसानों के साथ काम करने के लिए. हमने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स 2015 में 2016 में निकाले जो तब देशभर में बहुत कम आते थे. अब तो काफी सारे अलग अलग संस्थाएं ब्रांड्स कर रहे हैं. तभी स्टार्टेड विद प्लांटेबल पेपर, प्लांटेबल स्टेशनरी, प्लांटेबल पेंसिल्स, प्लांटेबल पेन, जिसके पीछे बीज होता है और आपका वो प्रोड्यूस खत्म होने के बाद, पेंसिल खत्म होने के बाद, पेन खत्म होने के बाद, यू कैन ऑलवेज प्लांट इट. इट्स अ बायोडिग्रेडेबल मेड ऑफ कंप्लीट पेपर्स एंड नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. बट उसके उपयोग के बाद, पेपर के उपयोग के बाद, लोगों ने ग्रीटिंग्स कार्ड में, विजिटिंग कार्ड्स में, बहुत सारे कार्ड्स में जिसको आप, जिसमें भगवान की मूर्ति बनी है और आस्था के और या इमोशनल कनेक्ट और चीजें हैं जो आप फेंकना नहीं चाहते डस्टबिन में, उसको गमले में उगाते हैं और उससे बेजल सीड्स, मैरीगोल्ड सीड्स और बहुत सारे प्रकार के बीज आते हैं. तो हमारी संस्था ने इस तरह के कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स को करने का एक थोड़ा सा चैलेंज उठाया. जबकि इसकी एक्सेप्टेबल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, एक्सेप्टेंस बड़ी स्लो आती है. और उसी से मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऑफ स्लो इन द इंडस्ट्री, अभी बहुत सारे चैलेंजेस से, सर्टिफिकेशन बॉडीज के चैलेंजेस से, पिछले 2-1 साल में कोविड तो संसार के लिए चैलेंज था बट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के लिए, खासकर हिंदुस्तान के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस इन साल 2 साल में आए हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेशनल एंड डोमेस्टिक, यू नो, जो हमारी लॉज और चीजों में परिवर्तन हुए हैं उसके साथ. जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर पीड़ित है वो किसान ही है, ग्रास रूट में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है. तो ये आई ऑलवेज कॉल दिस एज अ इंडस्ट्री ऑफ पेशेंस. ये एक धैर्य की इंडस्ट्री है, हमें कहीं ना कहीं पेशेंस रखनी है. आप इंटरनेशनली इस इंडस्ट्री को स्लो फूड भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक या हेल्दी फूड, जो कि एक स्लो माध्यम है खाना उगाने का. तो जिस इंडस्ट्री का नाम स्लो फूड है, शायद उसका नतीजा भी थोड़ा स्लो ही आता है, बट हमें कहीं ना कहीं धैर्य रखना है उसके परिणाम में, बिकॉज द फ्रूट्स आर रियली रियली रिच. तो इस इंडस्ट्री में जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप दैट पेशेंस एंड फेथ, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर द अपॉर्चुनिटीज एंड अ मीडियम टू ओवरकम सच चैलेंजेस. एक आखिरी बात के साथ, जो मैं अपने फार्मर से, मैं अपने जुड़े हुए एफपीओ से, अपने जुड़े हुए संस्थाओं से हमेशा कहता हूँ, वो हमेशा आके पूछते हैं कि आपने कुछ सालों में 2-3 स्टोर्स करे हैं, आप कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंचे हैं, आपके पास 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट आप अपने फार्मर्स के प्रयोग के साथ आप मार्केट में लेकर आ पाए हैं, हम ऐसा क्या प्रोडक्ट लाएं कि जो हमारा बिक पाए, आप हमारी क्या चीज रख पाएंगे. तो इस वैल्यू को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि जो थॉट में हमेशा अपने किसानों के साथ शेयर करता हूं, कि हमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन में, अभी 3-4 प्रेजेंटेशन हुई है, एवरीबॉडी इज बीन टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन, एट फार्म लेवल करना पड़ेगा. ब्रांड्स, यू नो, इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग यूनिट आर पुटिंग वैल्यू फॉर श्योर. मिलेट्स का हमारा युग चल रहा है, साल चल रहा है, भारतवर्ष मिलेट को देशभर में अपने प्रोत्साहन देकर आ रहा है. मिलेट्स में इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वैल्यू एड करने की, और भी सारी हेल्दी जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो वैल्यू एड करने की. तो मेरा सिर्फ एकमात्र मैसेज यही रहेगा कि हम वैल्यू एडिशन कैसे कर पाते हैं, और हमारी लड़ाई जो है वो हेल्दी फूड वर्सेज अनहेल्दी फूड की है. There is such a good market here. I mean, BioPack is one of the largest exhibition in the country for organic fair. I mean, this is a smallest. आप आहार में आएंगे या आप किसी और बड़े कन्वेंशनल फूड फेयर में आएंगे, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो अभी लड़ाई तो हेल्दी फूड वर्सेस अनहेल्दी फूड की है. कहीं ना कहीं जब पूछा जाता है कि आप जैसे और कौन से ब्रांड हैं जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, मैंने कहा मेरे जैसे कोई ब्रांड मेरे साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं. हमारे जैसे अगर हमें कम्पीट करना है तो हमें तो बर्गर किंग के साथ करना है, मैकडोनल्ड्स के साथ करना है, जो अनहेल्दी फूड है, जो फास्ट फूड है, जो फूड एकदम से हमारे टेस्ट बर्ड्स को इन्वेज करता है. ये सारी चीजों को अगर हम अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, फास्ट फूड,
यू नो जो जो टेस्ट में बहुत अच्छा है, इन सब चीजों को अगर हम अपने हेल्दी फूड में ला पाए, वो सब वैल्यू अगर हम अपने हेल्दी फूड में ला पाए, आई थिंक वही चैलेंज है इंडस्ट्री में कम्पीट करने का व्हेन इट कम्स टू हेल्दी फूड कम्पीटिंग वर्सेस अनहेल्दी फूड। सो एक फिर से मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगा और दिवेश भाई को, उसकी संस्थाओं को, बहुत से रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा और जो किसान हमारे भाई हमारे साथ और संस्थाएं हमारे साथ और एफपीओ हमारे पास जुड़ पाए उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा उनके यूनिक काम के लिए और योगदान के लिए। थैंक यू सो मच।